आज जो हम पढ़ेंगे डेट इज कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरह से कोविल बॉन्डिंग होती है किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम के दरम्या के दरम्यान जो है उनकी शेयरिंग होती है और किस तरह से जो न्यू हमें डिफरेंट uh, कंपाउंड्स मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स सो इसके अलावा हम कोवलेंट कंपाउंड्स की टाइप्स पढ़ेंगे किस कितनी टाइप्स के कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और uh, इसके लिए ऐसे देख लेते हैं डिसकस टाइप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स फॉर एग्जाम्पल एच टू डेट इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ओ टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नेम सर्टेन आयनिक एंड कोवलेंट कम्पाउंड सो ऐसे लोग क्या डिमांड करता है कि हमने देखना है किस तरह से जो बॉन्डिंग बनती है um, um, uh, after mutual sharing of electrons between different atoms वो uh, उसके लिए हमने examples देखनी है hydrogen nitrogen और oxygen की इन तीनों की examples देखते हुए हमने देखना है कि जो three types की covalent bonding है single double और triple वो किस तरह से बनती है और किस तरह से mutual sharing होती है electrons की between different molecules so activity करते हैं इसके लिए एक आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है वो होती है विद बाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सो किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है किस तरह से इन जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्डिंग होती है यस yes. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स रीअरेंज होते हैं पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं उनकी बॉन्डिंग ब्रेक होती है उनकी बॉन्डिंग ब्रेक होने के बाद क्या होता है उनकी रीअरेंजमेंट होती है और हमें वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है किस फॉर्म में एच टू ओ की फॉर्म में जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ टू हाइड्रोजन के एटम बॉन्ड बनाते हैं सो so ये बॉन्डिंग किस तरह से बनती है ये हम इस लेक्चर में देखते हैं क्वेश्चन है हाउ डू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. सो बेसिकली डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से फॉर्म होते, है? yes, होते हैं यस विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं बिटवीन डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है और वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग की मदद से मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है सो so, आज हमने जो केमिकल बॉन्डिंग देखनी है वो कोवेलेंट बॉन्ड है उससे पहले हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड होता क्या है वेन एन एटम रिसीव डोनेट्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू एन अदर एटम इट मेक्स केमिकल बॉन्ड विद दैट एटम जब एक एटम दूसरे एटम के साथ या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है या उसको डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों सूरतों में जो बॉन्डिंग बनती है बिटवीन डिफरेंट एटम्स वो क्या है डेट इज केमिकल बॉन्डिंग लाइक हाइड्रोजन के टू एटम हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो दोनों को ही दो एटम्स हैं तो दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो दोनों क्या करते हैं दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की तो इस तरह से दोनों के जो वैलेंस शेल हैं वो क्या हो जाते हैं स्टेबल हो जाते हैं तो इस तरह से जब डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या फिर डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को तो क्या होता है जो ये शेयरिंग या फिर डोनेशन है ये बॉन्डिंग बनती है और ये बॉन्डिंग क्या कहलाती है ये केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है तो ये दो सूरतों में होती है फर्स्ट वन इज शेयरिंग जब दोनों एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इन द लाइक इन द एग्जांपल ऑफ एच टू ओ जब ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के उसके साथ एटम्स मिलते हैं तो दो एक हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो इस एक सूरत में जो एक, एक सूरत ये है केमिकल बॉन्डिंग की इसके अलावा दूसरी सूरत क्या है जब एक एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एक एटम से दूसरे एटम की तरफ तो ये एक दूसरी सूरत है केमिकल बॉन्डिंग की सो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दो सूरतों में होती है एक या तो शेयरिंग होती है बिटवीन टू एटम्स जिसकी मदद से दोनों जो एटम्स हैं वो अपने बैलेंस शेल को स्टेबल कर लेते हैं इसके अलावा जो दूसरी सूरत है वो क्या है जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ तो ये भी क्या है ये भी एक केमिकल बॉन्डिंग है सो so, ये क्या टाइप्स हैं ये हम देखते हैं सो फर्स्ट वन इज कोवेलेंट बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ये कौन सी सूरत पे लाइक करती है लाइक इन द एग्जाम्पल ऑफ वाटर फॉर्मेशन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और वो रीअरेंज होते हैं तो क्या फॉर्म हमें मिलती है एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के एटम अटैच होते हैं दोनों की बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन एटम जो है उसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है इसी तरह ही दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी जबकि जो ऑक्सीजन एटम है उसके वैलेंस शेल में छे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसी तरह हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दूसरे हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ऑक्सीजन एटम जो है उसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने वैलेंस शेट को स्टेबल करने के लिए तो तीनों क्या करते हैं तीनों बॉन्डिंग बनाते हैं ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ एक साइड पर बॉन्ड करता है और दूसरे के साथ दूसरी साइड पर बॉन्ड करता है और म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की तो इस तरह से जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनका भी वैलेंस शेल स्टेबल हो जाता है और जो ऑक्सीजन एटम है उनका भी वैलेंस शेल स्टेबल हो जाता है तो इस तरह से वाटर की फॉर्मेशन होती है वाटर का मॉलिक्यूल बनता है इन द फॉर्म ऑफ एच टू ओ तो ये जो शेयरिंग है ये जो म्यूचुअल शेयरिंग है बिटवीन डिफरेंट एटम्स इन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्या है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है सो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो थ्री टाइप्स की होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लाइक इन द ए एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो दो हाइड्रोजन एटम जो हैं वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की और अपने वैलेंस शेल को जो आउटर मोस्ट शेल है उसको स्टेबल करते हैं तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है उनमें एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इस फॉर्म में तो ये किसके एग्जाम्पल है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है जिसमें टू हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है वो किस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे बिटवीन एटम तो इस सूरत में जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना तो क्या हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो एक बॉन्ड बनेगा बिटवीन हाइड्रोजन एटम तो ये क्या है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है नेक्स्ट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है ऑक्सीजन एटम जो है उसके आउटर शेल में छ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने वैलेंस शेल को स्टेबल करने के लिए तो क्या होता है दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की और अपने वैलेंस शेल को स्टेबल करते हैं तो इस तरह से जब दो दो इलेक्ट्रॉन टू पेयर्स की शेयरिंग होती है तो डबल कॉलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन एटम्स तो ये किसकी एग्जाम्पल है ये डबल कॉलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें टू पेयर्स इलेक्ट्रॉन के शेयर होते हैं बिटवीन डिफरेंट एटम्स नेक्स्ट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की किस तरह से फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके बैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपने बैलेंस शेल को स्टेबल करने के लिए तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का एटम क्या करता है दोनों नाइट दो नाइट्रोजन के एटम मिलते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो इस तरह से दोनों नाइट्रोजन एटम का जो बैलेंस शेल है वो स्टेबल हो जाता है तो इस सूरत में थ्री पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होते हैं तो बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है सो ये क्या है ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन रहा है सो रेपअप करते हैं लेक्चर को कोवेलेंट बॉन्ड ज डिफाइंड एज कंबाइनिंग ऑफ एटम्स सेम और डिफरेंट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन डिफरेंट एटम्स ये सेम भी हो सकते हैं लाइक फॉर्मेशन ऑफ एच टू एन टू एंड ओ टू और डिफरेंट भी हो सकते हैं डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी शेयरिंग हो सकती है लाइक फॉर्मेशन ऑफ एच टू ओ क्योंकि यहाँ पे एच टू ओ की फॉर्म form, जो फॉर्मेशन होती है तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आर डिफरेंट एटम्स सो डिफरेंट एटम्स या फिर सेम एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग बिथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए वेलन शेल को जो उनका आउटर मोस्ट शेल है उसको स्टेबल करने के लिए जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो क्या है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है सो so, असेसमेंट है आज के एस पे इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं कि आपने सही से सोल्व किया या नहीं या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी सो नेक्स्ट इज अ होमवर्क फाइंड आउट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैविंग डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स यूजिंग प्रियोडिक टेबल आपने क्या करना है प्रियोडिक टेबल को अपने सामने रखना है और आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखनी है डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की और उसको अपनी कॉपी पे नोटबुक uh, पे ड्रॉ करना है और अपनी टीचर को दिखाना है सो आई होप नाउ और यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट कोवल एंड बॉन्ड And its types on the basis of sharing of electrons. Thank you so much. Allah Hafiz.